नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बासुकीनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा पर बुधवार से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। मंगलवार को दुमका के एसडीओ महेश्वर महतो ने पंडा समाज के साथ बैठक कर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर स्पर्श पूजा पर रोक लगाने की घोषणा की। बुधवार से मंदिर के गर्भगृह में अर्घा सिस्टम से बाबा को जल अर्पण होगा। सामाजिक दूरी और अन्य कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। बैठक में मंदिर प्रभारी आशुतोष ओझा और वासुकीनाथ पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा सहित कई अधिकारी, धर्मरक्षिणी सभा के पदाधिकारी और पंडा समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। वासुकीनाथ पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने भी स्पर्श पूजा पर रोक और बाबा के जलार्पण के लिए अर्घ लगाने के प्रशासन के निर्णय पर अपनी सहमति दी। बुधवार से वासुकीनाथ मंदिर में तड़के पुरोहित पूजा के बाद जब पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा तो जलार्पण के लिए अर्घ लगा दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए मंदिर प्रभारी आशुतोष ओझा ने बताया कि 6 फीट की दूरी रखते हुए श्रद्धालु अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रहेगी। पूजा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गर्भगृह के अंदर थाल पूजा और रुद्राभिषेक पर पहले से रोक है। बासुकीनाथ पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने कहा कि मकर संक्रांति से पहले राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से गंगा सागर, कोलकाता जाने वाले तीर्थ यात्रियों का बासुकीनाथ में पड़ाव होता है। श्रद्धालु यहां बाबा बासुकीनाथ को जलार्पण करने के बाद ही गंगा सागर के लिए कूच करते हैं। इसे लेकर 2-4 दिनों में बासुकीनाथ मंदिर में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। भीड़ नियंत्रित रखते हुए पूजा व्यवस्था में पंडा समाज मंदिर प्रशासन को सहयोग देने के लिए तैयार है। कोविड संक्रमण को लेकर झारखंड सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें स्पर्श पूजा पर रोक है। एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा स्पर्श पूजा पर रोक का निर्णय वासुकीनाथ मंदिर में बुधवार से लागू होगा। इस निर्णय पर पंडा समाज की भी सहमति है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।